और आपने ये कई बार सुना होगा आयुर्वेद के किसी बड़े पंडित के मुंह से या विशेषज्ञ के मुंह से कि हमारा जो पेट है इसमें हमेशा अम्ल बनता है, पेट में तेजाब बनता है, अम्ल बनता है। रसायन शास्त्र की भाषा में कहूं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। तो पेट में अम्ल है और मुंह में क्षार है, लार क्षारीय है और पेट में अम्ल है। अम्ल और क्षार जब दोनों मिलते हैं तो रसायन शास्त्र में कहा जाता है कि वो एक दूसरे को न्यूट्रल करते हैं, निष्प्रभावी करते हैं, एक दूसरे को समानता के सिद्धांत पर बैलेंस कर लेते हैं, संतुलित कर लेते हैं। अम्ल और क्षार मिल जाए तो अम्ल अम्ल नहीं रहता, क्षार क्षार नहीं रहता, दोनों मिलकर एक मृदु पदार्थ बन जाता है जिसको लवण कहा जाता है विज्ञान की भाषा। तो पेट में बन रहा है अम्ल और मुंह में बन रही है लार जो क्षार है। ये क्षार और अम्ल एक दूसरे से मिलते रहे तो पेट आपका हमेशा संतुलित रहेगा। अगर पेट में अम्ल बन रहा है और ये लार अंदर ना जाए तो इतना अम्ल बढ़ जाएगा पेट में कि आप परेशान हो जाएंगे, जलेगा पेट आपका और वो जलन आपको मृत्यु के मुंह तक पहुंचा सकता है। इसलिए प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है कि जहां अम्ल बने वहां पे क्षार जाए ताकि क्षार अम्ल को शांत रखे। तो मुंह की लार बार बार पेट में अंदर जाए इसकी व्यवस्था है हमारे शरीर में। तो मुंह की लार पेट में जाएगी, अम्ल के साथ मिलेगी, अम्ल को संतुलित रखेगी, न्यूट्रल बनाएगी। अम्लता नहीं बढ़ने पाए तो जिंदगी में कभी भी वात के रोग नहीं आ सकते। आयुर्वेद में कहा गया है जब पेट की अम्लता बढ़ती है तब वात के रोग शुरू होते हैं और वात के रोगों की संख्या कल मैंने बताई 80 है, सबसे ज्यादा रोग है वात के। तो वात के रोग कभी भी ना बढ़े पेट में, इसके लिए सरल उपाय है कि अम्लता हमारे पेट की ना बढ़े। और अम्लता ना बढ़े हमारे पेट की, इसका सरल उपाय है कि लार बार बार पेट में अंदर जाती रहे। और लार बार बार पेट में अंदर जाए इसका सबसे सरल उपाय है पानी को घूट घूट पीते रहे। जितने घूट पानी पिएंगे उतनी लार पानी के साथ मिलकर अंदर जाएगी। अब अगर आप पानी को एक साथ घटाघट घटाघट पीते हैं, मान लीजिए कई लोग तो पानी को ऐसे पीते हैं मुंह पर कर लिया, पूरा खोल लिया और सीधे पानी को डालते हैं तो पानी गर्दन में गिरते हुए जाता है, ये लाभकारी नहीं है क्योंकि इसमें लार नहीं मिलेगी। लार तो जीभ के आसपास और इधर उधर गाल में ज्यादा रहती है। जब आप पानी पीते हैं और मुंह इस तरह से चलाते हैं तब पूरी लार बन के अंदर जाती है। तो इसलिए कहा गया ये कि आप जब भी पानी पिए एक घूंट पानी पिए, मुंह में उसको घुमाएं, फिर उसको नीचे उतारें, फिर दूसरा घूंट पानी पिए, फिर मुंह में घुमाएं, फिर उसको नीचे उतारें, फिर तीसरा घूंट पानी पिए, फिर घुमाएं, फिर उतारें। ये तरीका सबसे अच्छा है पानी पीने। तो पानी हमेशा ऐसे पीना शुरू करें जैसे कि आप गर्म दूध पीते हैं, पानी हमेशा ऐसे पीना शुरू करें जैसे कि आप गर्म चाय पीते हैं, पानी हमेशा ऐसे पिए जैसे कि एक एक सिप करके आप कोई दूसरी चीज पीते हैं। ये पानी आपको सबसे ज्यादा फायदा देगा। और एक साथ घटाघट पिया हुआ पानी फायदा तो नहीं देगा, नुकसान जरूर कर देगा। आपको सुन के हैरानी होगी कि एक साथ घटाघट पिया हुआ पानी सबसे ज्यादा दबाव डालता है किडनी पर। एक साथ घटाघट पिया हुआ पानी लोटा भर के या गिलास भर के तुरंत हमने पूरा उतार दिया, ये सबसे ज्यादा दबाव डालता है आपकी किडनी पर, क्योंकि किडनी ही है जो पानी को छानकर आपके शरीर से बाहर निकालने के काम में लगी रहती है। आप जानते हैं दो किडनियां भगवान ने हम सबको दी। तो एक साथ घटाघट पिया हुआ पानी सबसे ज्यादा दबाव डालता है किडनी पर और धीरे 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 सिप करके पिया हुआ पानी किडनी के लिए सबसे ज्यादा सहायक है, सबसे ज्यादा मददकारी। आप जीवन भर अगर ये चाहते हैं कि आपको किडनी की कोई समस्या ना हो तो आप बस एक छोटे से नियम का पालन करते रहें और नियम ये है कि घूट घूट करके पानी पीते रहें। भारत के ये आयुर्वेद
शास्त्र से निकला हुआ ज्ञान जिसको अष्टांग हृदयों में संग्रहित किया गया, ये ज्ञान भी दुनिया भर के देशों में भी फैला पिछले कई वर्षों में, और अमेरिका जैसे देशों में इस पर काफी कुछ रिसर्च शुरू हुआ है। मैं पिछली बार जब आया था और श्रेयांश हॉल में मेरा व्याख्यान माला थी, तब यहाँ पर एक न्यूज़पेपर की कटिंग हमारे सहयोगी भवनेश भाई ने मुझे दी, शायद वो हिंदू न्यूज़पेपर की कटिंग थी, जिसमें अमेरिका के दो वैज्ञानिकों का रेफरेंस था। उन्होंने 10 साल एक ही बात पर रिसर्च किया, अमेरिका के दो वैज्ञानिकों ने, दोनों नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट आप समझते हैं मूत्र रोग विशेषज्ञ, दोनों ने इस बात पर 10 साल रिसर्च किया कि पानी को धीरे धीरे करके पीना, सिप सिप करके पीना, और पानी को एक साथ घटाघट पीना, दोनों में क्या अंतर है। 10 साल उन्होंने जितने पेशेंट पर रिसर्च किया, उनका ये कहना है कि एक साथ घटाघट पानी पीने का कोई लाभ शरीर को होता नहीं, कोई लाभ नहीं होता, 1% भी लाभ नहीं होता। उन्होंने तो अपने रिसर्च में यहां तक कह दिया कि एक साथ जैसे ही आप पानी पीते हैं, वो पानी मूत्र पिंड में और किडनी में दबाव डाल के बाहर ही जाता है बिना किसी परिवर्तन किए हुए। मतलब पानी का काम है शरीर में बहुत तरह के परिवर्तन लाना, तो एक साथ जब गिलास भर के लोटा भर के पानी हम घटाघट पी जाते हैं, किडनी में दबाव आता है उसका, मूत्रपिंड में दबाव आता है उसका, और उसके बाद वो बाहर निकलता है बिना किसी उपयोग के। वो दोनों साइंटिस्ट 10 साल पेशेंट में काम करके ये नतीजे पे पहुंचे कि जो घूट घूट पिया हुआ पानी है वही शरीर के लिए अनुकूल है। अब हमारे देश में और दुनिया में ऐसी मान्यता है कि अमेरिका में कोई रिसर्च हो जाए तो पक्की बात, भारत में वो बात 3,500 साल पहले से है कि पानी को घूट घूट पीना। हमारे देश के महान व्यक्ति बाघभट्ट जी 3,500 साल पहले बोल रहे हैं पानी को घूट घूट पीना, तो हमको लगता है अरे ठीक है, लेकिन अमेरिका में दो साइंटिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट कह रहे हैं तो अभी हमें लगता है कि बड़ी बात है। मैं आपको एक और जानकारी देता हूं, जापान की सरकार ने इसी पानी के नियम को अपनी चिकित्सा पद्धति में शामिल किया है, यही नियम पानी घूट घूट पीना। इसके साथ 2-3 नियम और भी उन्होंने रखे हैं, सवेरे उठकर पानी पीना मैं बताऊंगा, लेकिन जापान की सरकार ने अपनी चिकित्सा पद्धति में ये नियम को शामिल कर दिया। अमेरिका के दो साइंटिस्ट इस पर रिसर्च करके नतीजा निकाल चुके हैं। तो आपको अपने जीवन में थोड़ा एक परिवर्तन करना है कि पानी को घटाघट पीने की आदत छोड़कर घूट घूट पीने की आदत डाल दीजिए। अब मैं आपको और एक जानकारी देता हूं जो आपने रोज देखी है अपने जीवन में, मनुष्य जाति को छोड़ दे थोड़ी देर के लिए, माइनस कर दे दिमाग से, पक्षियों को देखे वो पानी कैसे पीते हैं, किसी भी पक्षी को आप देखिए वो पानी कैसे पीता है, चिड़िया को देखिए, तोते को देखिए, कबूतर को देखिए, कौए को देखिए, कोयल को देखिए, पानी कैसे पीता, वो चोंच में एक बूंद पानी उठाएगा कोई भी पक्षी, फिर धीरे धीरे चोंच को ऐसे चलाएगा, फिर पिए, फिर दूसरा बूंद पानी उठाएगा, फिर चोंच को धीरे धीरे चलाएगा, फिर पिएगा, फिर तीसरा बूंद पानी उठाएगा, फिर चोंच को धीरे धीरे चलाएगा, फिर पिएगा। सारे पक्षी इसी तरह से पानी पीते हैं। जानवरों को देखिए आप, कुत्ते को देखिए पानी पीते हैं, कुत्ता चाट चाट के पानी पीता है, चाट कर पानी पीने का एक ही कारण है कि ज्यादा लार पानी में मिलकर अंदर जाए। शेर को देखिए चाट कर पानी पिएगा, चीते को देखिए चाट कर पानी पिएगा, जितने पशु आप अपने आसपास देखेंगे सब चाट के पानी पीते हैं। गाय भैंस को देखिए, गाय बैल और भैंस वो पानी कैसे पीते हैं, गाय पानी को एक बार खींचेगी मुंह और रोक के रखती है उसको, फिर आप उसकी गर्दन पे ध्यान देंगे तो एक एक घूंट नीचे उतार देगा उसके शरीर के और आकार के हिसाब से। भैंस भी ऐसे ही करती है, एक बार पानी को खींचेगी मुंह में, रोक के रखेगी, फिर गले से उतारेगी। बैल को देखेंगे आप, बैल भी ऐसे ही पानी पीता है, एक बार पानी को पूरा खींचेगा, मुंह में रोक के रखेगा बैल, फिर नीचे उतारेगा। सभी पशु सभी पक्षी पानी वैसे ही पीते हैं जैसा अष्टांग हृदयों में कहा गया है। एक मनुष्य है जिसने मूर्खता करके
बेवकूफी करके पानी को घटाघट पीने का अपना कोई नया तरीका निकाल लिया और उसी के कारण बीसियों बीमारियों में फंस गया। आप किसी भी पक्षी को देखिए, कोई पक्षी ओवर वेट नहीं है। किसी चिड़िया का वजन उसकी जरूरत से ज्यादा नहीं है। किसी पक्षी को घुटनों का दर्द नहीं है, अर्थराइटिस नहीं है। किसी कुत्ते को डायबिटीज नहीं है। किसी शेर को और चीते को हार्ट अटैक नहीं होता। कोई पक्षी कभी हार्ट अटैक से नहीं मरता। मतलब मैं कहना चाहता हूं, बीमारियों से कभी कोई पशु नहीं मरता, बीमारियों से कभी कोई पक्षी नहीं मरता, क्योंकि पशु और पक्षियों को बीमारियां होती नहीं है, क्योंकि वो कुछ नियमों का पालन करते हैं। प्रकृति ने दिखाया ज्ञान, उनको सिखाया ज्ञान। आप जानते, पशु पक्षियों के स्कूल कॉलेजेस नहीं है, उनका कोई प्रोफेसर नहीं है, उनको कोई बताता नहीं है, कोई सिखाता नहीं है। वो कहां से सीख कर आते हैं? प्रकृति से सीखते हैं, पर्यावरण उनको सिखाता है। या शायद दूसरे शब्दों में कहूं कि परमपिता परमात्मा ने उनको जन्म देते ही वो ज्ञान दे दिए। या वो पशु पक्षी अपने माता पिता से सीखते हैं, उनके अपने माता पिता हैं, उनसे सीखते हैं। वो सब प्रकृति से, भगवान की कृपा से, अनुकंपा से ये ज्ञान लेके आते हैं। बस महत्व की बात ये है कि उस ज्ञान को वो छोड़ते नहीं, बराबर अपनाते हैं। और उसी का लाभ है कि वो हमसे ज्यादा सुखी और स्वस्थ है। हमको ज्ञान मिला, छोड़ दिया किसी आलस्य के वश या अपनी कोई मूर्खता में या बेवकूफी में, तो वो मूर्खता और बेवकूफी और आलस्य को थोड़ा हम कम करेंगे तो ये ज्ञान हमें भी उतना ही लाभ करेगा जो पशु पक्षियों को करता है। तो आज का जो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है जो मैं आपके ध्यान में बिठाना चाहता हूँ, वो यही है, पानी को घूट घूट करके पिए, सिप सिप करके पिए। जब भी पानी पिए, हमेशा इस बात को याद रखें कि कभी भी जल्दबाजी में पानी न पिए। अब इसी के साथ और एक सूत्र जोड़ देता हूं यहीं पर, पानी को कभी भी खड़े होकर ना पिए, हमेशा बैठ कर पिए। कभी भी खड़े होकर पानी ना पिए, हमेशा बैठ कर पानी पिए। वैसे तो हमारे घरों में जो बुजुर्ग होते हैं वो बराबर हमें टोकते रहते, बैठ के पानी पी, खड़े खड़े मत पीना। तो बुजुर्गों ने जो हमें ज्ञान दिया है वो कुछ यही ज्ञान है जो अष्टांग हृदय जैसे शास्त्रों में, पानी कभी भी खड़े होके ना पिए, बैठ के पिए। अब आप बोलेंगे खड़े होके पीने में और बैठ के पीने में क्या अंतर है? बात सीधी सी ये है, जब आप खड़े होते हैं, स्ट्रेट सीधे खड़े होते हैं, तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो आपके शरीर पर जहां केंद्रित है वो स्थान अलग है। और जैसे ही आप बैठ जाते हैं, मेरी तरह आप अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, मैं ऐसे बैठा हूं, तो ये गुरुत्व केंद्र का स्थान फिर बदलता है। हम जब बैठी हुई स्थिति में होते हैं तो विज्ञान ये कहता है, आधुनिक विज्ञान, कि गुरुत्व केंद्र हमारी नाभि पर है। पृथ्वी में आप जानते हैं गुरुत्व बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, तो वो गुरुत्व बल का केंद्र नाभि पर होता है जब हम बैठे हुए होते हैं। जैसे ही हम खड़े होते हैं वो गुरुत्व केंद्र खिसक जाता है, वो नाभि से अलग हट जाता है। नाभि आप जानते हैं पूरे शरीर का केंद्र है, पूरे शरीर का केंद्र नाभि है। अब नाभि के ही नजदीक है जठर, जहां पर सब कुछ चीज जाती है। तो नाभि अगर गुरुत्व केंद्र के प्रभाव में है तो जठर भी उसके नजदीक होने के कारण गुरुत्व केंद्र के प्रभाव में है। तो बैठे हुए पानी पीने की स्थिति में वो पानी बहुत जल्दी शरीर में हजम होगा, पचेगा, क्योंकि गुरुत्व केंद्र काम कर रहा है, एक्स्ट्रा फोर्स काम कर रहा है हमारे जठर पर नाभि के नजदीक होने के कारण। उस स्थिति में आप जब पानी पिएंगे तो वो पानी के बारे में सरल शब्दों में कहता हूं, वो जल्दी पचेगा और हजम होगा। पानी भी पचता है। आप जानते हैं कई बार ऐसे रोग हो जाते हैं कि लोगों को पानी भी नहीं पचता, जैसा पीते हैं या तो गुदा द्वार से निकल जाता है या मूत्र द्वार से निकल जाता है। बड़ी तकलीफ की स्थिति आ जाती है, पानी पचता भी नहीं है। ऐसे कई लोग होते हैं, कई बीमारी। तो पानी का भी पाचन होता है जैसे भोजन का होता है। तो बैठे हुए पानी
बैठी हुई स्थिति में जब आप पानी पीते हैं तो उसका पाचन बहुत तीव्र है और बहुत लाभकारी है। खड़े होकर स्थिति में पिए हुए पानी का पाचन ना तो तीव्र है ना ही लाभकारी। इसलिए कहा गया अष्टांग हृदय में कि पानी हमेशा बैठकर पिए, कभी भी किसी स्थिति में पानी खड़े होकर न पिए। अब कोई मजबूरी आ जाए, जैसे कई बार मजबूरी है, आप सड़क पे जा रहे हैं, मान लीजिए बहुत तेज प्यास लगी है, बैठने का कोई स्थान नहीं है आपके पास, अब ये तो मजबूरी की बात, अब क्या करें? तो इसके लिए भी शास्त्र कहता है कि आप उस मजबूरी की स्थिति में भी पानी अगर पी रहे हैं तो शरीर को थोड़ा झुकाएं, बेंड करें, फॉरवर्ड आगे की तरफ झुके और तब पानी पिए। अच्छा तो ये माना जाता है कि ये एक और ऐसे 90 डिग्री 90 अंश पर अगर आप बेंड होके पानी पीते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन 90 अंश होना आदर्श की स्थिति है, थोड़ा भी बेंड होके पानी पीते हैं तो अच्छा है। तब मुझे याद आता है, और आप ध्यान करिए, हमारे यहाँ जो प्याऊ की व्यवस्था है वो ऐसी ही है, प्याऊ जो बनाई जाती है वो झुककर पानी पीने के लिए ही बनती है। प्याऊ ऐसी भी बन सकती है जो सीधे खड़े होकर पानी पिला दे आपको, कैसे बनेगी? जिस स्थान पर वो पानी पिलाने वाला पात्र रखा होता है ना, उस स्थान को ऊंचा कर दो, नहीं करते, उस स्थान को हमेशा नीचा किया जाता है और शरीर से नीचा किया जाता है ताकि हमें झुकना पड़े पानी पीने के लिए। इसका मतलब ये है हमारे लोग बहुत होशियार, बहुत इंटेलिजेंट। अब आप देखो ना, प्याऊ बनाने वाले और प्याऊ चलाने वाले तो साधारण लोग नहीं है ना समाज के, वो कोई विज्ञान पढ़े हुए लोग नहीं है, वो कोई डॉक्टर नहीं है, जो कोई आयुर्वेद के पंडित भी नहीं, लेकिन उनको इतना ज्ञान तो है कि प्याऊ का पानी पिलाना है तो पात्र जहां रखेंगे वो ऐसा होना चाहिए स्थान के शरीर को झुकना पड़े। इसलिए सभी प्याऊ में हम आगे झुकते हैं, ओक लगा के पानी पीते हैं। तो मजबूरी की स्थिति में आप पानी पी रहे हैं तो झुके और झुककर पानी पिए। वो झुकने का एक ही महत्व का मतलब है विज्ञान के हिसाब से कि गुरुत्व केंद्र आपका नाभि के नजदीक ही रहे पानी पीते समय, बस इतनी सी बात है। तो आप इस बात को जरा सोचना शुरू करिए कि भारत में कोई काम अगर किया गया है तो बड़ा सोच समझ कर लोगों ने उसको किया। हजारों साल से प्याऊ की व्यवस्था इस देश में चल रही है, आज की स्थिति में भी चल रही है जब पानी 15 रुपए लीटर बिक रहा है, फिर भी इस देश में प्याऊ चलाने वाले हैं और पानी पिलाने वाले। हमारे यहां तो मैंने देखा है कि बड़े बड़े करोड़पति गर्मियों के दिन में अपना काम धंधा छोड़कर पानी पिलाने में रहते हैं। करोड़पति लोगों को देखा मैंने सब जगह, रेलवे स्टेशनों पर मैंने देखा है, शहर के बड़े बड़े लखपति करोड़पति जिनका एक दिन का व्यवसाय धंधा 10 करोड़ का 15 करोड़ का 20 करोड़ का है, वो भी गर्मियों के दिन में धंधा छोड़कर वो लगे हैं पानी पिलाने के लिए, खुद जाते हैं रेल के डिब्बे के एक एक नजदीक और पानी लोगों को पिलाते हैं। उस स्थिति में जब पानी 15 रुपए लीटर बिक रहा है इस देश में, दूध से मैला पानी बिक रहा है इस देश में, तब भी लोग हैं। इसका माने ये है कि भारतीयता मरी नहीं है और संस्कृति खत्म नहीं हुई है, सभ्यता अभी भी जीवित है इस देश की। करोड़पति लोगों को कई बार मैंने पूछा भाई ये क्या कर रहे हैं आप, 10 करोड़ का धंधा आपका रोज का है फिर आप पानी पिलाने में लगे हो? तो उन्होंने कहा भैया सब कुछ इसी दुनिया के लिए नहीं है, आगे की भी दुनिया है, आगे की दुनिया माने मुझे मोक्ष में भी जाना है। ये 10-20 करोड़ 100 करोड़ तो इस दुनिया का है, उस दुनिया में तो इसका कुछ लेना देना नहीं है, उस दुनिया में तो काउंटिंग होगी मेरे इसी पानी की, मैं ये 100, 200, 500 लोगों को जो पानी पिलाऊंगा इनके दिल से जो दुआएं निकलेंगी और मेरे दिल तक पहुंचेगी, ये काउंटिंग होने वाली है मेरी दूसरी दुनिया में जब मैं छोड़कर जाऊंगा। ये तो ऊंचाई की पराकाष्ठा है, ये बात आपको अमेरिका में कहीं देखने को नहीं मिलेगी, यूरोप में भी नहीं मिलेगी, लैटिन अमेरिका में नहीं मिलेगी,
ये भारत में ही मिली। तो भारतीयता में कई चीजें बहुत ऊंची हैं, उनमें से सबसे ऊंची चीजों में से एक है पानी पिलाना, प्यासे को पानी, भूखे को रोटी। ये हमारे यहां धर्म में भी सबसे ऊंचा है। हम जिसको धर्म मानते हैं, जो धारण करने योग्य है, उसमें हमारे यहाँ प्यासे को पानी, भूखे को रोटी सबसे ऊंचा काम माना गया है। तो करोड़पति लोग गर्मियों के दिन में उस ऊंचे काम के लिए नीचा काम छोड़ते हैं। 10 करोड़ कमाना, 20 करोड़ कमाना, ये ऊंचा काम नहीं है हमारे यहाँ, ये नीचा काम है। इसको नीचा माना गया है, ये अच्छा नहीं है, हमारे धर्म में भी नहीं है, सभ्यता में भी नहीं। तो कई करोड़पतियों ने मुझे उत्तर दिया कि राजीव भाई, थोड़े दिन के लिए हम नीचा काम छोड़कर ऊंचे काम में लगते हैं, ताकि हमें अगली दुनिया, जो हमारी मोक्ष की दुनिया या इस जन्म के बाद की दुनिया में भी इज्जत से, सम्मान से टिकने का रास्ता मिले। लेकिन जो पानी पिलाने वाले लोग हैं, उनको मैंने बराबर देखा है, जिनको थोड़ा भी ध्यान है, वो हमेशा कोशिशें करते हैं कि पीने वाला झुके और तब वो पिलाए। आज एक बोतल की व्यवस्था जो आई है, इसमें गड़बड़ी मचाई। ये जो बोतलों में पानी मिलना शुरू हुआ, तो हमने झुकना बंद कर दिया, क्योंकि बोतल से पानी पीने के लिए सीधे खड़े होकर गटागट उतारते हैं। ये सबसे नुकसान का काम हम खुद करते हैं। जानवर और पक्षी अभी भी बहुत अच्छे हैं, बोतल से पानी नहीं पीते, वो अपने ही तरीके से पानी पीते हैं, जैसी प्रकृति ने व्यवस्था उनके लिए बनाई है वैसे ही पीते हैं। 21वीं शताब्दी में हम पहुंच गए हैं, लेकिन कोई कुत्ता अभी तक 21वीं शताब्दी में नहीं पहुंचा, कोई चिड़िया नहीं पहुंची, कोई बंदर नहीं पहुंचा, मगरमच्छ नहीं पहुंचा, वो सब अभी अपनी ही दुनिया में है। ये आदमी के लिए पता नहीं फितूर कहां से दिमाग में घुस गया है, हम 21वीं शताब्दी में है इसलिए बोतल से पानी पिए, तो समस्या भी उतनी ही है। इसलिए मेरा आपको एक ही कहने का छोटा सा निवेदन है कि आप पानी पीने का नियम हमेशा याद रखें। एक तो बैठ के पानी पीने का नियम है, दूसरा पानी को घूट घूट पीने का नियम है, कभी मजबूरी की स्थिति आ जाए तो आगे झुककर पानी पीने का नियम। ये आगे झुककर पानी पीना कितना वैज्ञानिक है, जब आप हाथ लगाते हैं मुंह से, हाथ आपने मुंह से लगाया, पानी हाथ में गिरता है, फिर मुंह में होके जाता है, तो अंत में होता क्या है, आप अगर ध्यान देंगे, अगर हाथ लगा के पानी पी रहे हैं तो सारा पानी तलवे को छूता हुआ अंदर जाता है, तलवा है इसको छूकर अंदर जाता है। और शास्त्र में कहा गया है कि पानी को अंदर जाने के लिए सबसे अच्छी स्थिति वही मानी जाती है कि वो तलवे को छूते हुए अंदर जाए, इसलिए ये इस तरह से हाथ लगा के पानी पीने का नियम है। अब आप थोड़ा 50-60 साल का भारत थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, 50-60 साल पहले के भारत की बात करिए, भंवरलाल जी के समय के भारत की बात करिए, ये कभी मेरी तरह जवान रहे होंगे, उस समय के भारत की बात करिए और इनसे पूछिए 100 में से 99 लोग ऐसे ही पानी पीते, 100 में से 99, चाहे वो घनश्याम दास बिरला हो और चाहे रुईया हो, जिनके हजारों करोड़ के एम्पायर है ना, वो भी ऐसे ही पानी पीते हैं। तो ये जो बात है, वो ज्ञान की बात हमारे यहां आई, आचरण में हजारों साल वो चल गई, शायद उस जमाने का भारत बहुत स्वस्थ था आज की तुलना में, जब डॉक्टर कम थे, दवाएं बिल्कुल नहीं थी, वैद्य होते थे लेकिन दवाएं ज्यादा नहीं दिया करते थे, वो तो सिखाते थे ऐसा मत करो, ऐसा करो, ये पथ्य कर लो, ये पथ्य कर लो, उस जमाने में हम ज्यादा स्वस्थ थे। आज डॉक्टर बहुत ज्यादा है, दवाएं उससे भी ज्यादा है, हॉस्पिटल उससे भी ज्यादा है, तो हम ज्यादा बीमार हैं। कारण एक ही है कि हमने डॉक्टरों पे ध्यान दिया बीमारियों के लिए, दवाओं पे ध्यान दिया बीमारियों के लिए, लेकिन बीमारी ना आए वो ज्ञान हमने छोड़ दिया, जो परंपरा से मिला था, हमारे दादा परदादा, दादा के दादा, दादा के परदादा, उनसे जो ज्ञान मिला था वो छूट गया, उसी में हम फंस गए। उस ज्ञान को फिर से जोड़ने की जरूरत है। मैं सिर्फ इतना आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि दादा परदादा का दिया हुआ ज्ञान कोई साधारण नहीं था,
वो शास्त्रीय ज्ञान था, बस अंतर इतना ही है कि सरल शब्दों में आपको वो दिया गया था, शास्त्रों में थोड़े क्लिष्ट शब्दों में वो है। हमारे दादा परदादा सरल भाषा में वो ज्ञान को समझाया करते थे, शास्त्रों में वो प्राकृत में है या संस्कृत में है, सबको प्राकृत आती नहीं, सबको संस्कृत आती नहीं, तो जो प्राकृत और संस्कृत के ज्ञानी है वो तो ले लेते थे उस ज्ञान को, लेकिन साधारण व्यक्ति को सरल भाषा में समझाते थे। तो हमारे दादा परदादा कहते थे बैठ के पानी पी, खड़े होके क्यों पी, बस अंतर इतना है कि वो बोलते थे बैठ के पानी पी, हम उनसे कभी पूछे क्यों तो उसका वो ज्यादा लंबा उत्तर नहीं देते थे, वो कहते थे मेरे दादाजी ने कहा या मेरे पिताजी ने कहा या मेरी दादी ने कहा, इस तरह से वो बात को बढ़ाते थे। हम थोड़े से पिछले 50-60 वर्षों में दिमाग से लॉजिकल हो गए, लॉजिकल माने हर बात को क्या क्यों कैसे में तोलना हमने शुरू कर दिया, और हमारी नई पीढ़ी तो हमसे भी ज्यादा लॉजिकल हो गई, तो उसको जब तक क्या क्यों कैसे में कन्विंसिंग नहीं करते आप, तब तक वो मानती नहीं कि इसमें कुछ दम, ये है समस्या। ज्ञान तो ये सारा मैं जो कह रहा हूँ वो सब वही है जो अपने पुरखों के पास है, दादा दादी नाना नानी के पास है, बस इसमें इतना ही ये है कि मेरे जैसा आदमी इसमें लॉजिक लगा के आज के समय की भाषा में समझाने की कोशिश करता है, बाकी तो ये सब है। तो हम फिर से याद करें इस बात को कि पानी हमेशा घूट घूट पिए, हमेशा पानी बैठ के पिए, मजबूरी की स्थिति कभी आ जाए तो सामने झुककर ऐसी स्थिति में पानी पिए कि तलवे से छूता हुआ पानी अंदर जाए। क्लियर है कि स्पष्ट हुआ? अब थोड़ा आगे बढ़े और एक सूत्र की बात है, अष्टाध्याय का और एक सूत्र है, वो ये कहता है कि दिन की शुरुआत हमेशा पानी से करें, दिन की शुरुआत हमेशा पानी से करें, माने दिन जब आपका शुरू हो तो पानी से हो। और इसी सूत्र को जोड़कर बोलूं और एक सूत्र है ऐसा ही, वो ये कहता है कि रात्रि का अंत दूध से करें, माने सोने के समय आप सोएंगे तो उसके पहले जो आखिरी वस्तु आप खाएंगे या पिएंगे वो दूध होनी चाहिए, और सुबह उठते ही जो पहली वस्तु आप पिएंगे या खाएंगे वो पानी होना चाहिए। रात्रि का अंत दूध से और सवेरे की शुरुआत पानी से करें, ये क्या सूत्र है और क्यों है? सवेरे उठते ही आप पानी पिए, ये नियम है। जब आप उठे, कोई उठेगा 4 बजे, कोई उठेगा 4:30, कोई 5, कोई 5:30, कोई 6, जब दिन आपका शुरू होता है पानी से शुरू होता है, कोई दूसरी चीज आप नहीं पी सकते। क्यों नहीं पी सकते जानना चाहिए। सवेरे जब आप सोकर उठते हैं तो रात भर आपके पेट में जो पाचन की क्रिया चली, आपने शाम को भोजन किया, भोजन के पाचन की क्रिया 6 घंटे में पूरी हो गई तो पेट खाली हो गया। अब जैसे पेट खाली हुआ तो पेट में अम्ल बनना शुरू होता है, कभी भी पेट खाली होगा तो अम्ल बढ़ेगा, एसिडिटी बढ़ेगी पेट खाली होगा। तो रात में मान लीजिए आपने शाम को भोजन किया सूर्यास्त के पहले 5:30-6 बजे, और इसमें 6 घंटे जोड़ दीजिए, 12:30-12 तक जो कुछ खाया सब हजम हो गया। अब आप सवेरे उठे 6 बजे, तो 6 घंटे आपका पेट खाली रहा, इस 6 घंटे के खालीपन में पेट में एसिड आया, अम्ल आया और वो जमा हो गया। अब इस अम्ल को आपको न्यूट्रल करना है, नहीं तो ये तकलीफ कर देगा। इसको न्यूट्रल करने का सबसे सरल उपाय है मुंह की लार अंदर जाए, तो मुंह की लार को अंदर ले जाने का सबसे सरल उपाय है पानी पी लो। पानी भी अम्ल को कम करता है और मुंह की लार को और ज्यादा कम करता है, इसलिए आयुर्वेद में नियम बताया गया सुबह उठते ही पानी पीना। इसको स्वामी रामदेव जी अपने व्याख्यानों में कहते हैं, आपने टीवी चैनल पर सुना होगा या कभी उनका चेन्नई में शिविर हुआ तो आपने उनका शिविर भी किया होगा, वो कहते हैं उषा पान करो। उषा पान का मतलब यही है, सवेरे उठते ही सबसे पहले पानी पियो, क्योंकि अंदर जो तेजाब इकट्ठा हो गया, अम्ल इकट्ठा हो गया, इसको डाइल्यूट करना, इसको कम करना पानी मदद करेगा, और पानी के साथ लार जाएगी तो वो भी मदद करेगी। पानी पीना उठते ही इसका कारण है, उठते ही पानी पीना। तो आप इस नियम को याद रखें। अब हमने इस नियम को थोड़ा बदल दिया है, कल प्रश्न आया था, अब मैं यहां ले,
हमने इस नियम को ऐसे बदल दिया है कि जो अपने को 21वीं शताब्दी का मानते हैं, जो कहते हैं हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं, हम बहुत आधुनिक हो गए हैं, वो उठते ही चाय पीते। अच्छा, चाय के बारे में मैं एक जानकारी दूं, आप चाहे तो खुद प्रयोग करके देखें, नहीं तो मैं बता रहा हूं उसको मान लें, चाहे तो प्रयोग करें। चाय बहुत ही ज्यादा अम्लीय होती है, ऐसे चाय जो आप बनाते हैं ना, इसमें जो चीनी डालते हैं, चीनी दुनिया में सबसे ज्यादा अम्लीय चीज है, ऐसे देखो, चाय से भी ज्यादा चीनी, और चीनी के साथ चाय डाल दी तो डबल एसिडिक हो गई, और ज्यादा एसिडिक हो गई। अब पेट में पहले से ही अम्ल बना हुआ है, और चाय पिएंगे तो अम्लता और बढ़ेगी, तो आप तो सवा सत्यानाश अपना खुद ही कर, क्योंकि मैंने आपको बताया आयुर्वेद में कहा गया है कि पेट की अम्लता बढ़ती है तो रक्त की अम्लता बढ़ेगी, कोई रोक नहीं पाएगा, खून में अम्लता बढ़ेगी, क्योंकि जो पेट में है वो खून में है, तो रक्त की अम्लता बढ़ेगी तो आपकी जिंदगी में 80 रोग आएंगे जिनको कोई नहीं रोक सकता, उन सब रोगों से आप जिंदगी भर परेशान रहे, उनमें से ये गठिया का रोग आएगा, आपको घुटने दुखेंगे, कमर दुखेगी, कंधा दुखेगा, खूब जबरदस्त दुखेगा, समझ लीजिए अम्लता बढ़ेगी, हार्ट अटैक आएगा, कार्डियक अरेस्ट होगा, पैरालिसिस होगा, ब्रेन हेमरेज होगा, समझ लीजिए अम्लता बहुत बढ़ी हुई है रक्त में। ये सारे खतरनाक रोग दुनिया में जिनके नाम सुनने से डर लगता है, ये सब अम्लता में से पैदा हुए रोग हैं, एसिडिटी में से पैदा हुए रोग हैं। और एसिडिटी एक तो भगवान की दी हुई है पेट के लिए, ऊपर से चाय पी के आपने और समाया, डेढ़ गुना दो गुना उसको कर लिया, आपने तो खुद अपना फांसी का इंतजाम कर रखा है, सवेरे उठते ही चाय पी रहे। अब कई लोग मुझे ये शिकायत करते हैं कि राजीव भाई चाय नहीं पिए तो टट्टी नहीं उतरती, माने इतना बुरा हाल है कि उठते ही चाय पिए तब जाकर टॉयलेट में वो फ्रेश हो सकते हैं, अगर इतनी बुरी हालत है तो इसको तुरंत बदलिए। फिर देखिए जानवरों को, पक्षियों को, पशुओं को, किसी को टट्टी उतारने के लिए चाय नहीं पीनी पड़ती, ना कुत्ते को, ना बिल्ली को, ना चिड़िया को, ना मोर, किसी को नहीं, आपको क्यों चाय पीनी पड़ती। तो आप चाय उठते ही पी रहे हैं तो आप तो एसिडिटी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि चाय में चीनी बहुत एसिडिक है, चाय खुद भी बहुत एसिडिक है, ज्यादा एसिडिक चीनी, ज्यादा एसिडिक चाय मिलाकर आपने पी ली, और ज्यादा अम्लता बढ़ गई, अम्लता बढ़ेगी तो 80 बीमारियां हैं, गठिया की, जोड़ की, सारी बीमारियां, हृदय घात की, सब बीमारियां उसी में से निकलती है, इसलिए उठते ही चाय ना पिए। मेरी बात माने तो चाय कभी ना पिए, क्योंकि चाय पीने लायक नहीं है, चाय में सबसे खराब चीज है वो चीनी, उससे भी ज्यादा खराब है चाय की पत्ती, क्योंकि जो चाय की पत्ती चाय में डाली जा रही है वो असली चाय नहीं है, वो टी डस्ट है, चाय की धूल है, और टी डस्ट बहुत एसिडिक है, इसलिए उठते ही चाय पीने की आदत आप में से किसी को है तो तुरंत बदल दें इसको। फिर उठते ही क्या पीना है, पानी पिए, और पानी पीने का तरीका वही है, घूट घूट पिए, उठते ही पानी पीना शुरू कर दीजिए, 2-3 दिन में पेट इतना अच्छे से साफ होने लगेगा कि आप हैरान हो जाएंगे। कैसे, जैसे उठते ही आपने पानी पी लिया तो सारा पानी पेट खाली होने के कारण बड़ी आंत तक पहुंच जाता है तुरंत, और बड़ी आंत में ही मल फंसा हुआ रहता है, तो पानी वहां पहुंच गया जहां मल फंसा हुआ है, तो मल को निकालेगा, उसका प्रेशर आएगा, तुरंत आप जाएंगे टॉयलेट में, पेट साफ हो जाएगा। दो फायदे, उठते ही पानी पिएंगे तो अम्लता कम हुई पेट की, दूसरा एक फायदा है कि मुंह की लार रात पर जो तैयार हुई वो सब अंदर चली गई, तीसरा फायदा है पानी पीते ही पेट में दबाव पड़ा, बड़ी आंत पर दबाव पड़ा, पेट आपका साफ हो गया। और आयुर्वेद में सभी ज्ञानी पंडित आज तक ये कहते रहे हजारों साल से कि जिनका पेट सवेरे एक बार में साफ हो जाता है उनकी जिंदगी में कभी कोई रोग नहीं आता। जिनका पेट सवेरे एक बार में साफ हो जाता है उनकी जिंदगी में कभी कोई रोग नहीं आता, ये बहुत ऊंची बात है। पेट की सफाई जिनकी हो जाती है सुबह एक बार, वो बीमार ही नहीं पड़ सकते, क्योंकि पेट की सफाई नहीं होने से सैकड़ों बीमारियां, कब्जियत है,
कॉन्स्टिपेशन है अगर पेट साफ नहीं होता, और एक कब्जियत 103 से 104 रोगों को बुला लेती है। कब्जियत पहले आती है, उसके बाद रोग आना शुरू हो जाता है। आजकल मैं जब भी मरीजों को देखता हूँ तो बहुत सारे मरीज जिनका जरूरत से ज्यादा वजन बढ़ा हुआ है, अंत में जब उनकी डायग्नोसिस करते करते मैं पहुंचता हूं तो पता चलता कब्जियत। अगर पेट आपका सवेरे साफ हो रहा है बराबर, मैं आपको स्टाम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूं, वजन 1 किलो भी नहीं बढ़ेगा कभी, कभी भी ओबेसिटी नहीं आ सकती, वजन नहीं बढ़ सकता, घुटने नहीं दुख सकते, कमर नहीं दुख सकती, कंधा नहीं दुख सकता, संधिवात नहीं हो सकता, गाउट नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, हार्ट अटैक नहीं आ सकता, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कचरा सब निकल रहा है ना, फिर विष है कहाँ शरीर में, 24 घंटे में जितना विष तैयार हुआ सुबह सब निकल गया तो शरीर साफ। और ये ध्यान रखना है आपको, ये पानी की मदद से ही होगा। आपकी कब्जियत 10 साल की, 20 साल की, 25 साल की, 50 साल की, इस एक नियम से ही खत्म हो जाएगी, सुबह उठते ही पानी पिए। फिर आपके मन में प्रश्न आएगा, उठते ही पानी पिए तो मुंह साफ करके पिए या बिना मुंह साफ करके पिए? हमेशा आयुर्वेद का ध्यान रखिए, बिना मुंह साफ किए पानी पिए। मुंह साफ करने की आपको अगर तीव्रता है तो रात को सोने से पहले मुंह साफ कर लें। जब आप सोने जा रहे हैं ना, दांत साफ कर लें, दंत मंजन कर लें, दातुन कर लें, जो करना है, फिर सो जाएं मुंह साफ करके। उठते ही कुल्ला नहीं करना, क्योंकि उठते ही कुल्ला किया तो अंदर की लार तो गई, वो तो अंदर जाने के लिए, फेंकने के लिए नहीं। सुबह के लार के बारे में आपने सभी जैन संतों के मुंह से सुना होगा कि ये थूका तो महापाप। मैंने वो करके देखा, एक बार मैंने एक जैन संत के मुंह से ये सुना। एक जैन संत है आचार्य चंद्रशेखर विजय जी महाराज, उनके मुंह से सबसे पहले मैंने सुना कि ये थूकना नहीं चाहिए, हिंसा होती है। बैठ गई बात दिमाग में, फिर ये अष्टांग हृदय पढ़ना शुरू किया, आयुर्वेद की जानकारी ली तो समझ में आ गया। महाराज साहब को मैंने पूछा क्यों नहीं थूकना चाहिए, तो उन्होंने कहा बहुत पाप लगता है। तो क्यों पाप लगता है? तो उनका थूक के देखो जीव मर जाते हैं। तो मैंने एक दिन करके देख लिया, सच में किया। मेरे घर के आसपास एक ऐसा स्थान है जहां बहुत चींटियां निकलती हैं, मैंने वहां थूक दिया और थोड़ी देर के बाद घूम के आया तो सब चींटियां मरी हुई। कारण क्या है? सुबह के मुंह की लार बहुत ज्यादा क्षारीय होती है, एल्कलाइन बहुत, और ज्यादा क्षारीय चीज भी दम निकाल देती है किसी, जैसे उबली चीज निकाल देती है वैसे ज्यादा क्षार से भी, तो मर गई चींटियां। तो धर्म ने तो उसको हिंसा और अहिंसा से जोड़ दिया, लेकिन इसी बात को आयुर्वेद ने जोड़ा आपके शरीर के स्वास्थ्य से कि सुबह की लार चूंकि ज्यादा क्षारीय है तो अंदर ले जाओ ताकि आप लोग को शांत करे, थूको मत इसको, तो इसके कुल्ला नहीं करना, दांत साफ नहीं करना, उठते ही पानी पीना। पीने का तरीका याद रखना, घूट घूट सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा, ताकि लार पूरा आराम से अंदर जाती जाए और आपके पेट की अम्लता को शांत करती जाए। ये एक नियम, इसके आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न उठता है कि सुबह उठते ही पानी पीना, दिन की शुरुआत पानी से करना, तो इसका आधा हिस्सा छूट गया, रात का अंत दूध से करना। तो रात को दूध क्यों पीना, ये बात मैं कल कह चुका हूं, आज फिर दोहरा रहा हूं कि रात का समय हमारे पेट में ऐसे पाचक रस सबसे ज्यादा होते हैं जो दूध को पचाते हैं। इसलिए शास्त्र में कहा गया कि दूध पी लो, ताकि पाचक रस है उनका भी उपयोग हो जाए और दूध की एक एक बूंद आपके शरीर के काम है। तो दूध पी के सोना और उठते ही पानी पीना, ये नियम आप अपने बच्चों में डाल दीजिए संस्कार के रूप में, क्योंकि हमारे यहां तो ज्ञान को संस्कार में डालने की परंपरा है भारत, जिस ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना हो वो बच्चों में डाल दो संस्कार के, तो बच्चे आगे लेके जाएंगे, फिर उनके बच्चे होंगे वो अपने बच्चों को संस्कार दे देंगे, फिर उनके होंगे फिर वो, और इस तरह से ये हजारों साल चलता है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आप इसका उपयोग करें और अपने बच्चों को भी उपयोग करने के लिए कहें। अब इसके आगे का एक सूत्र है
वो आप पूछेंगे भी प्रश्न के रूप में कि सवेरे उठते कितना पानी पिए, उसकी कोई मात्रा तो होगी, मात्रा तो हर चीज की है, तो सुबह उठते ही पानी कितना पिए, कितनी मात्रा होनी चाहिए। सामान्य रूप से ये कहा गया है कि जिनकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच में है, जिनकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच में है, ये सामान्य रूप से 3-3.5 गिलास पानी पिए। और गिलास जो मैं बोल रहा हूँ वो मध्यम साइज का, मध्यम आकार का, जिसमें 300 मिलीलीटर तक पानी आता है। मतलब एक है कि 1-1.25 लीटर पानी पिए सुबह। और जिनकी उम्र 60 वर्ष के ऊपर है उनके लिए है कि वो लगभग 2 गिलास तक पानी पिए। और जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है उनके लिए है कि वो 1-1.5 गिलास। तो 18 से कम वाले 1-1.5 गिलास पिए, 18 से 60 के बीच वाले 3-3.5 गिलास पिए, 60 के ऊपर वाले लगभग 2 गिलास। पीने का तरीका याद रखना, सिप सिप करके, घूट घूट करके पिए, सुबह उठते ही इतना पानी पिए। और एक नियम मैं आपको बता देता हूं, वो आधुनिक विज्ञान का है, भागवत जी ने उसके बारे में नहीं कहा। आधुनिक विज्ञान का एक नियम है कि एक दिन में कितना पानी पिए। ये मन में आता है ना, मैं अगर नहीं अपने मन में प्रश्न पूछूं भाई मुझे एक दिन में कितना पीना चाहिए, आप पूछे मुझे एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए, तो इसका सरल तरीका है जांचने का वो ये कि आप एक दिन में जितना कुल द्रव पदार्थ पीते हैं, एक दिन में कुल जितना द्रव पदार्थ पीते हैं उसका 2/3 पानी पिए। कुल द्रव पदार्थ जिसमें दूध भी है, मट्ठा भी है, लस्सी भी है, शरबत भी है, सब कुछ मिला ले, तो मान लीजिए हम एक दिन में कुल द्रव पदार्थ पीते हैं, कल्पना करें 4 लीटर, तो इसका 2/3 पानी होना चाहिए और 1/3 बाकी चीजें होनी चाहिए, तो 3 लीटर पानी होना चाहिए। और 1 लीटर आपका दूध आ गया, मट्ठा आ गया, लस्सी आ गई, उसमें जूस आ गया या कोई भी चीज, तो कुल द्रव पदार्थ का 2/3 पानी पिए और 1/3 बाकी सब चीज। और इसको और आधुनिक विज्ञान जोड़ता है वजन के साथ, शरीर के वजन के साथ। अगर आपका वजन मान लीजिए 70 किलो, कल्पना करिए 70 किलो, तो आपको कुल द्रव पदार्थ कितना पीना चाहिए, तो उसका यह है कि 70 किलो में 10 का भाग दे दो और उसमें से 2 घटाओ, तो 10 का भाग देंगे लगभग आएगा 7 और 2 घटाएंगे तो आ गया 5। अब ये 5 लीटर कुल द्रव पदार्थ है, कुल द्रव उसमें 1/3 छोड़ दो दूध के लिए, मट्ठे के लिए, जूस के लिए, सब चीज होते हैं, और 2/3 छोड़ दो पानी। ये है आइडियल, आदर्श। लेकिन आदर्श अगर नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा कुछ कम ज्यादा हो सकता है, बस इतना ही। तो इसको हमेशा आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं, एक और सूत्र की बात करते हैं। सूत्र ये है, पानी का ही सूत्र है वो ये कि कभी भी शरीर के तापमान से कम तापमान का पानी ना पिए। मतलब हमेशा गुनगुना पानी पिए, मतलब हमेशा हल्का गर्म पानी पिए। ये है, सीधा सा मतलब है ठंडा पानी ना पिए, क्योंकि ठंडे पानी का तापमान शरीर के तापमान से अलग है। आपके शरीर का तापमान है सामान्य रूप से 37 डिग्री सेंटीग्रेड और करीब 98-98.5 डिग्री फारेनहाइट, ये है शरीर का तापमान। पानी इसी तापमान का होना चाहिए, जितना गर्म शरीर उतना गर्म पानी, ऐसे पानी पीना, ठंडा नहीं पीना। अब ठंडे पानी का माने है फ्रिज में रखा हुआ पानी, ठंडे पानी का मतलब है बर्फ डाला हुआ पानी। तो फ्रिज में रखा हुआ पानी अगर आप उसका तापमान नापेंगे तो 10 डिग्री के आसपास आता है। कई बार फ्रिज में रखे हुए पानी का तापमान आप नापेंगे तो 4-5 डिग्री भी आता है, क्योंकि 3-4 दिन अगर रखा रहा तो 4-5 डिग्री का पानी हो जाता है। और बर्फ डाला हुआ पानी भी इतना ही होता है, 4-5 डिग्री से 10 डिग्री। ये बहुत ठंडा है, शरीर है गर्म, पानी है ठंडा, तो झगड़ा होगा,
गर्म शरीर में ठंडा पानी डालेंगे तो कुछ गड़बड़ होने वाली है, वो करके देख लीजिए। तवे को गर्म करिए, खूब गर्म हो जाकर पानी डाल के देखिए, ठंडा पानी सारा जल जाएगा, माने तवे के काम पानी नहीं आएगा, वाष्प बन के उड़ जाएगा। तो आपने देख लिया अगर बाहर की दुनिया में, तो अंदर की दुनिया में भी कुछ गड़बड़ होगी। अंदर की दुनिया में एक ही गड़बड़ होगी कि शरीर गर्म है, पानी ठंडा है। गर्म शरीर में ठंडा पानी डाला आपने, मान लीजिए फ्रिज का पानी 4-5 डिग्री का आपने 37 डिग्री के गर्म शरीर में डाल दिया, तो गड़बड़ एक ही होगी। एक तो ठंडा पानी या तो शरीर को ठंडा करेगा या शरीर पानी को गर्म करेगा, कुछ एक होने वाला है दोनों। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए, हालांकि ऐसा होता नहीं है लेकिन कल्पना करिए, ठंडे पानी ने शरीर को ठंडा कर दिया, पेट को ठंडा, पेट के ठंडा होते ही शरीर ठंडा होता है, 3 मिनट लगते हैं बस। पेट अगर ठंडा हुआ तुरंत शरीर ठंडा होता है, हृदय ठंडा, किडनियां ठंडी, लीवर ठंडा, सब ठंडा। और ये शरीर ठंडा तो दिमाग भी ठंडा, दिमाग ठंडा तो 3 मिनट में मृत्यु, और कोई नहीं बचा सकता। और जैसे ही सब ठंडा हुआ तो जो घर वाले आपको बहुत प्रेम और मोहब्बत करते थे वो घर के बाहर ले जाके रख देते, भाई अब ये ठंडा हो, अब ये काम करें। कल तक जो लोग आपसे प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं, आपके साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं, आपके शरीर के ठंडा होते ही अरे ले जाओ भाई, जल्दी करो, क्यों देर कर रहे हो, लेके जाओ, जला के आओ, क्यों? ठंडी चीज रखी नहीं जाती, मतलब शरीर ठंडा हो जाए तो रखने के काम का नहीं है। हमारे यहां तो कहा जाता 24 घंटे के अंदर तो उसका अंतिम संस्कार हो ही जाना चाहिए। तो आप जानते हैं ठंडा शरीर काम का नहीं है, तो क्यों आप ठंडा पानी पी पी के इसको ठंडा बनाने की कोशिश कर रहे हो? मतलब ठंडा पानी बंद कर। और अब दूसरी बात बताता हूं, ये तो सरल बात बताई उदाहरण देके, विज्ञान की जानकारी थोड़ा इसमें जोड़ना चाहता हूं। हमारे शरीर का जो अंदर का पूरा तंत्र है, इसके काम करने का जो टेम्परेचर रेंज है, तापमान का क्रम है, वो क्या है? हमारा शरीर बहुत अच्छा काम कर सकता है 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म हो और 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा हो, तो मतलब बिल्कुल साफ है कि शरीर को कम से कम तापमान जो चाहिए वो 27 डिग्री का चाहिए, अधिक से अधिक जो तापमान चाहिए वो 47 डिग्री का चाहिए। तो 27 डिग्री से 47 डिग्री के बीच के तापमान पर ही शरीर काम करता है, ऐसे जानना चाहिए। अब ठंडा पानी आपने पिया है तो वो 10 डिग्री का है, भले 27 डिग्री से कम तो वो तकलीफ कर देगा, इसलिए मत पीना, कभी भी ठंडा पानी मत पीना। मेरा तो सभी माताओं से बहनों से विनती है कि फ्रिज में पानी ही नहीं रखना, क्योंकि फ्रिज पानी रखने के लिए नहीं बना है। फ्रिज तो बना है दवाएं रखने के लिए, जो दवाएं गर्मी में खराब हो जाए, ऐसी दवाएं रखने के लिए रेफ्रिजरेटर का आविष्कार हुआ। ये तो हमने जबरदस्ती घर में ले आया स्टेटस सिंबल के, शान बढ़ाने के। शान बढ़ानी कैसे है? पड़ोसी के घर में है तो अपने घर में क्यों नहीं होना चाहिए? पड़ोसी भले कुएं में कूदेगा तो हमें क्यों नहीं कूदना चाहिए? उसका दिमाग खराब है तो हमारा क्यों नहीं होना चाहिए? हम तो सब मर गए हिंदुस्तानी एक ही बात में, भला उसकी कमीज मेरी कमीज से ज्यादा सफेद कैसे? एक विज्ञापन आता है, सारा पढ़ा लिखा हिंदुस्तान इसी में डूब गया, न सोचा न समझा, हम तो लग गए अंधे पने से नकल के। किसी भी पड़ोसी से पूछा भाई तुमने फ्रिज क्यों लाया, वो पड़ोसी के घर आया, अंत में पूछा तुम क्यों लाए, तो वो अमेरिका लाया। अब अमेरिका ने कुछ मूर्खता की होगी तो तुम क्यों कर रहे हो, या यूरोप के लोगों ने कुछ किया होगा, उन्होंने फ्रिज लाया दवाओं को सुरक्षित रखने के लिए, हमने वो फ्रिज लाया पानी रखने के लिए। अब पानी रखा है फ्रिज में, उसी को पीते रहते हैं और दूसरों को पिलाते रहते हैं, शरीर का इतना नुकसान होता है, और धर्म के हिसाब से जीव हिंसा तो होती ही है, क्योंकि आप जानते हैं ठंडे पानी में जितनी जीव हिंसा होती है उतनी गर्म में नहीं होती, सबसे ज्यादा जीव राशि ठंडे पानी में ही होती है।
तो धर्म में भी जो आया वो विज्ञान से ही आया, आयुर्वेद में से ही आया। तो आप अगर धर्म पालन करना चाहते हैं तो भी आपका धर्म कहता है, जैन धर्म कहता है कि आप ठंडा पानी न पिए। आयुर्वेद की जानकारी के हिसाब से मैं कह रहा हूँ ठंडा पानी न पिए। अष्टांग हृदय में भी ये कहा गया है ठंडा पानी कभी न पिए। तो आप बोलेंगे फिर पानी कैसा पिए? हमेशा गुनगुना पानी पिए। एक शब्द है गुनगुना, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। इसी को शायद और एक शब्द में कहते हैं मराठी में कोमट पानी, हल्का गर्म पानी, ल्यूक वॉर्म वैसा पानी पिए। क्योंकि आपका जो शरीर है, मैं फिर से वो बात दोहरा रहा हूं कि अपना शरीर जो हल्का गर्म है, ज्यादा गर्म नहीं है, 37 डिग्री हल्का गर्म माना जाता है, तो हल्के गर्म शरीर में हल्का गर्म पानी ही अनुकूल होगा। तो आप हमेशा जीवन में याद रखें कि पानी गुनगुना हल्का गर्म ही पिए, फ्रिज का कभी नहीं, बर्फ डाला हुआ गलती से भी नहीं, किसी को ना पिलाए और किसी के आग्रह को स्वीकार भी ना करें। कई बार लोग आग्रह करते हैं, अरे भाई पी लो, एक दिन में क्या हो जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा। उनसे कहो भाई नियम है तो नियम है, वो एक दिन टूटा तो 100 दिन टूटेगा, 100 दिन टूटा तो जिंदगी में कभी नहीं बनेगा। नियम तो नियम है, हमने बाधा ले ली या संकल्प ले लिया या स्वीकार कर लिया तो हम तो नहीं करते। फिर लोग आपके हिसाब से चलना शुरू करते। एक आध बार ऐसा होगा लोग आपको कहेंगे भाई शरबत पीना है तो गर्म पानी में कैसे पीना, वो तो ठंडे में ही होगा। तो उनसे कहिए गुनगुने पानी में भी शरबत बनता है, चाय बनती है ना कि गर्म होते है, तो गुनगुने पानी में भी शरबत बन सकता है, ठंडे पानी में बर्फ डाले हुए नहीं क्यों। तो इस तरह से आप इसको अपने जीवन में करें, इसके इतने फायदे होंगे आप सोच नहीं सकते। मैं आपको मेरे 10 साल का तजुर्बा बताता हूँ। 10 साल पहले मैं खुद ठंडा पानी बहुत बार पीता था और अब मैंने 10 साल लगभग हो गया बंद कर दिया ठंडा पानी पीना, फ्रिज का पानी पीना। मुझे इतना फर्क आ गया मेरे पिछले 10 साल के जीवन में कि आप हैरान हो जाए। मेरे मस्तिष्क की तीव्रता बढ़ी, स्मरण शक्ति बढ़ी, नींद पहले से अच्छी हुई, भूख पहले से अच्छी हुई, चुस्ती फुर्ती मेरे में ज्यादा आई, काम करने की ताकत पहले से ज्यादा बढ़ी, इंटरनल कैपेसिटी बढ़ी, प्रतिकारक शक्ति, सब तरह के फायदे मुझे हुए एक छोटा नियम पालन करने में, ठंडा पानी बन गया। और आप ये बात जैन संतों से पूछ लें जो कभी ठंडा नहीं पानी पीते, उनका जीवन भी आपको दिखाई दे जाएगा, कितना विहार करते हैं, कितना पैदल चलते हैं और फिर भी उनके पांव शरीर सब काम करते हैं, वो इसी कारण से ठंडा पानी नहीं पीते कभी। मैंने तो कई जैन संतों को देखा उबलता हुआ पानी कितना है। बहुत सारे जैन संतों का उदाहरण हमारे सामने है, आयुर्वेद के पंडितों से आप पूछ ले जाकर उनके बहुत सारे उदाहरण है। आप खुद अपने जीवन में आज से शुरू करेंगे परिणाम आपको दिखाई देगा। एक छोटी सी बात कहकर इस नियम को पूरा करूंगा, फिर प्रश्नोत्तरी का समय होगा। अमेरिका में और यूरोप के देशों में आप कभी भी जाए, कभी भी जाए, तो वहां आप देखेंगे लोग बहुत ठंडा पानी पीते हैं, चिल्ड वाटर। अमेरिका में तो इतना मूर्खता है, इतनी मूर्खाई है कि पानी को फ्रिज में रखेंगे 3 दिन 4 दिन 5 दिन रखा रहेगा, खूब ठंडा हो जाएगा, फिर वो ठंडे पानी को निकालेंगे, फिर ऊपर से बर्फ डालेंगे, फिर पियेंगे, इतना ठंडा पानी। परिणाम क्या होता, बहुत ठंडा पानी पीते हैं तो कहा जाता है कि जठर की अग्नि पूरी तरह से मंद हो जाती है, शांत हो जाती है, अग्नि शांत हो जाती है। अब जठर की अग्नि शांत हो गई तो खाना पचेगा नहीं, खाना पचेगा नहीं तो सड़ेगा, सड़ा हुआ खाना सब तरह की गड़बड़ी पैदा करेगा। तो अमेरिका और यूरोप के लोगों को मैंने देखा उनमें इतनी गड़बड़ी है कि सवेरे जब वो संडास घर में जाते हैं तो एक एक घंटे तक बाहर नहीं आते, पेट साफ होने में उनको एक एक घंटा लगता, कारण ठंडा पानी। क्योंकि बहुत ठंडा पानी पीने से आपकी अंतड़ियां ठंडी है, जठर ठंडा है, बड़ी आंत ठंडी है, बड़ी आंत ठंडी है तो उसमें एक्सपेंशन नहीं हो सकता, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी चली गई तो मल निकलता नहीं, मल अंदर ही फंसा रहता है एक एक घंटे, और पूरी ताकत लगाते हैं लेकिन मल नहीं होता। बहुत दिन के बाद मेरे समझ में आया कि अमेरिकन लोग अपने संडास घर में कमोड सीट क्यों लगाते हैं, वो हिंदुस्तानी पद्धति में क्यों नहीं बैठते।
कमोड सीट के बारे में जब मैं उनसे पूछा कि भाई तुम्हारे घर में ये जो लैट्रिन है ये कमोड इस टाइप की क्यों है, तो वो कहते हैं कि हमको एक घंटा बैठना है। हिंदुस्तानी पद्धति की जो लैट्रिन पॉट है वो तो 5 मिनट बैठने के लिए है, 5 मिनट में बैठ के उठ गए, लेकिन उनको तो एक घंटा बैठना है क्योंकि पेट साफ हो नहीं रहा है। तो आराम से एक सीट बना लिया, कुर्सी की तरह से बैठ गए उस पर और न्यूज पेपर पढ़ते रहते, मैगजीन पढ़ते। सभी अमेरिकन टॉयलेट रूम में लाइब्रेरी होती है। बहुत दिन बाद मेरे समझ में आया कि वो लाइब्रेरी उनकी मजबूरी का कारण, उनका टाइम पास करना है, 1 घंटे 1.5 घंटे तो क्या करें, अखबार पढ़ते रहते, कमोड पर बैठे रहते। कमोड पर बैठने का कारण है ठंडा पानी। आयुर्वेद में ये कहा गया है कि जो व्यक्ति बहुत स्वस्थ है, स्वस्थ होने का हमारा पैरामीटर क्या है, भारत के आयुर्वेद के सभी विशेषज्ञ कहते हैं कि स्वस्थ होने का सबसे आसान अगर किसी में लक्षण खोजना हो कि ये स्वस्थ है कि नहीं है, तो ये देखो कि वो संडास घर में कितना समय लगाता है। हमारे यहाँ ये माना जाता है कि आप टॉयलेट में गए और बाहर निकले तो सबसे ज्यादा स्वस्थ, समय लगना ही नहीं चाहिए, बैठे और पेट साफ और बाहर 2-3 मिनट में जो संडास घर से निकलते हैं वो सबसे ज्यादा स्वस्थ है, 5 से 10 मिनट में निकलते हैं वो थोड़े कम स्वस्थ हैं, और जिनको 20-25 मिनट लगते हैं वो तो सोचना शुरू करें, और जो 1-2 घंटे बैठ लेते हैं उनका तो भगवान ही बना कर। और ये सारा दुष्कर्म शुरू होता है ठंडे पानी से, क्योंकि पानी जब बहुत ठंडा आप पीते रहते हैं, जठर ठंडा है, अग्नि बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया, बड़ी आंत आपकी ठंडी पड़ गई, छोटी आंत ठंडी पड़ गई, तो इसमें से समस्या है। इसलिए मेरा ये कहना है कि अमेरिका में जो गलती हो रही है लोगों से वो आप ना करें, कम से कम आप अपने घर में फ्रिज का पानी, बर्फ का पानी रखना बंद कर दें, पीना बंद कर दें, पिलाना बंद कर दें। एक तरफ आपका धर्म पालन होगा और दूसरी तरफ आपका शरीर और स्वास्थ्य पहले से ज्यादा अच्छा होगा। हमेशा गुनगुना पानी पीने की कोशिश करें। तो अब इस नियम को हर जगह देखें, लागू करके आप खाना खाने के बाद पानी पीना है, 1-1.5 घंटे के बाद पीना है तो गुनगुना, सवेरे उठ के पानी पीना है तो भी गुनगुना। अगर बहुत ज्यादा गर्मियों का मौसम आ गया और आपको लगता है कि गुनगुना पानी भाता नहीं, तो उस समय कहा गया है कि सामान्य तापमान का पानी पी लें। अब सामान्य तापमान का पानी से मतलब होता है रूम टेम्परेचर का पानी। अब भोजन के नियम के बारे में आज से मैं शुरू करता हूँ, भोजन कैसे करें। भोजन के बारे में पहला नियम है कि जब भी खाना खाएं तो खाने को इतना चबाएं कि जितने आपके दांत, माने धीरे धीरे चबा चबा कर खाना खाएं, जल्दी जल्दी कभी भी खाना ना खाए। अब जितने हमारे दांत उतनी बार चबाएं, इसका मतलब सीधा सा ये है कि रोटी का एक टुकड़ा मुंह में रखा तो कम से कम 32 बार चबाएं, क्योंकि 32 दांत। अब आप धीरे धीरे चबा चबा कर खाना खाएंगे तो परिणाम क्या होगा, मुंह की लार खूब अच्छे से खाने में मिलेगी, और ये मुंह की लार है ना अंदर जाकर पेट के अंग को शांत करेगी तो खाना पचने का क्रिया शुरू होगा। तो खूब अच्छे से मुंह की लार खाने में मिलकर जाएगी तो खाना सबसे जल्दी पचेगा। इसलिए कभी भी जल्दी जल्दी खाना ना खाएं, धीरे धीरे आराम आराम से चबा चबा कर खाना खाएं। ये खाने का पहला नियम। इसके आगे का दूसरा नियम खाने का, कि कभी भी खाना जमीन पर बैठकर खाए, खड़े खड़े खाना ना खाए। खड़े खड़े पानी भी नहीं पीना है, खड़े खड़े खाना भी नहीं खाना, जमीन पर बैठ के खाना खाए। मैं ऐसे बैठा हूं, आप तो कुर्सी में बैठे हैं, ये कुर्सी में बैठ के भी खाना नहीं खा, ये बिल्कुल शास्त्र में वर्जित है। जमीन पर बैठे जमीन पर बैठने का कारण मैं बता चुका हूं कि जब आप जमीन पर बैठे होते हैं तो गुरुत्व केंद्र नाभि पर है, नाभि पूरी तरह से उसके प्रभाव में है, उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं नाभि चार्ज, गुरुत्व केंद्र से, गुरुत्व बल से। नाभि के चार्ज होने से जठर भी चार्ज है, जठर चार्ज है तो अग्नि ज्यादा है, अग्नि ज्यादा है तो जो खाएंगे वो जल्दी पचेगा। इसलिए बैठ के खाना खाए, खड़े खड़े तो कभी ना खाए,
कुर्सी पे भी बैठ के ना खाएं, जमीन पे बैठ के खाएं। तो अब बहुत लोग मुझे ये कहते हैं कि जी डाइनिंग टेबल ले लिया, तो मैं उनको कहता हूं बेच दो वापस, कुछ काम का तो वो है नहीं। आप अगर हिसाब लगाओगे चेन्नई जैसे शहर में एक स्क्वायर फीट जमीन यहां कितने की है, समझा लेते हैं 7,000, मान लो 8,000 एक स्क्वायर फीट। डाइनिंग टेबल कितने स्क्वायर फीट का, 10x10 का मान लें, या 10x8 का, 10x10 का, तो 100 स्क्वायर फीट। अब 100 स्क्वायर फीट जमीन आपने खोकट में दे रखी है डाइनिंग टेबल को, जो 8,000 रुपए स्क्वायर फीट के भाव की है, जिसका कोई उपयोग नहीं होता और उपयोग तो हो ही नहीं रहा है, जगह और घेर रखी है, सफाई करने में भी तकलीफ आती है। तो आपने तो कहा कि हमने तो घर की शान बढ़ाने के लिए लाई है, तो उससे शान बढ़ रही है या जिंदगी खराब हो रही है। और वैसे भी साहूकार पेट में घर छोटे हैं, तो छोटे घरों में खुला स्थान रहे, वो डाइनिंग टेबल लगा के आपने वो भी घेर रखा है। घर के बारे में एक बात आप हमेशा याद रखिए, वास्तु में भारतीय वास्तु जो है ना, भारतीय वास्तु उसमें बहुत स्पष्ट कहा गया है, घर में स्थान जितना खुला होगा आपका दिल और दिमाग उतना ही खुला होगा। और घर में स्थान जितना घिरा हुआ होगा संकुचित, दिल और दिमाग दोनों संकुचित हो,